जैसे कि आपको यहाँ गुआवा, मैंगो, पोमीग्रेनेट, एप्पल, कीवी। इसकी जो ऊपर की परत है वो एकदम गुआवा की है, वो अंदर से कुल्फी भरी हुई है। मैं एक बार प्रात से दिखा दूँ कि इसके संतरे का जो इसके जो ऑरेंज का जो छिलका है ऊपर से है और अंदर स्टफिंग हुई है कायदे से, ये देखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शफी अब्बास और आप देख रहे हैं आपके खुद का फेवरेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, होली का सीज़न चल रहा है तो सोचा आपके सामने क्यों ना एक ऐसी वीडियो लेके आऊं जो कि होली के कलर की तरह कलरफुल हो और उसके गुजियों की मिठास की तरह मीठी हो। तो आज हम आए हैं गोमती नगर के 1090 चौराहे पे, और जिसको लोग चटोरी गली के नाम से भी जानते हैं, और जिस चीज़ को आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो है मिस्टर कुल्फी कलाकार। आखिर इस कुल्फी में ऐसी क्या चीज़ है कि लोग इसके दीवाने होते चले जा रहे हैं? तो ये सब खैर मैं जब वहाँ जाऊँगा तब बता पाऊँगा कि इसके लोग दीवाने इतने क्यों हैं। तो चलिए इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, मिस्टर कुल्फी कलाकार को एक्सप्लोर करते हैं, उनकी जो कुल्फी है उसको एक्सप्लोर करते हैं। आइए हमारे साथ। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं मिस्टर कुल्फी कलाकार के यहाँ, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इनके पास कौन कौन सी वैरायटियों की कुल्फी मिलती है और उसके टेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ। दोस्तों, इस आउटलेट के ऑनर हमारे साथ हैं, तो उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं। हेलो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं कुछ के बारे में जानना चाह रहे थे, कैसा आपने कॉन्सेप्ट सोचा आपने, और मतलब आपके कहाँ से आपका आइडिया वगैरह आपके? एक्चुअली हमारे इन लॉ साइड के जो हमारे मामा लोग हैं वो सारा ये काम ऑलरेडी करते हैं गुजरात साइड में। अच्छा, ये कुल्फी से? जी, तो हमने बस इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है लखनऊ में, यहाँ पे कैसे रिस्पांस आता है, बट नो डाउट रिस्पांस बहुत अच्छा है। जी, और यहाँ पे कौन कौन सी आपको टाइप की मुझे कुल्फी मिल जाएगी? जैसे कि आपको यहाँ गुआवा, मैंगो, पोमीग्रेनेट, एप्पल, कीवी, और ये मुझे लगता है शायद लखनऊ में फर्स्ट टाइम जो है फ्रूट से लाया यहाँ पे। जी जी जी, फर्स्ट टाइम। और वैसे यहाँ की टाइमिंग क्या है यहाँ की? ये 5 to 10:30 है, बट 5:50 तक हम यहाँ पे अवेलेबल। इसके कुछ प्राइस के बारे में भी हम जानना चाह रहे थे, और चाहूंगा थोड़ा जूम करके दिखा दिया। जी, ये अभी टेम्परेरी है इस ये मेन्यू, बाकी अभी इसमें मैंगो का रेट अभी कम होगा क्योंकि अभी बहुत कॉस्टली आ रहा है, इस वजह से 150 का है। तो ये रेट अलग है, ये अलग, ये यहाँ तक लिखा है फ्लेवर, ये फ्लेवर्ड है, ये ओनली फ्लेवर है। हाँ। और रियल फ्रूट में ये भी बेस्ड होंगे, रियल फ्रूट्स के ही होते हैं, और ये सेम फ्लेवर का स्टफिंग होगा। ऑरेंज खाएंगे तो आपको ऑरेंज का टेस्ट आएगा, एप्पल तो एप्पल, गुआवा तो गुआवा, इस तरीके से सेम फ्लेवर का स्टफिंग रहता है और रियल रहता है, 100% प्योर, इतना रियल कि आप इसको फास्टिंग में भी खा सकते हैं। फास्टिंग में खा सकते हैं। मैम, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। तो अब हम आपके टेस्ट के बारे में जानते हैं, कुल्फी के बारे में टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी है। तो दोस्तों, हमारे सामने जो है गुआवा फ्लेवर आ गया है, तो इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा है। इसकी जो ऊपर की परत है वो एकदम गुआवा की है, वो अंदर से कुल्फी भरी हुई है, तो एक फुल गुआवा का फ्लेवर आ रहा है और आपको ऐसा लगेगा कि जो है मतलब एक बेहतरीन कुल्फी आप खा रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल हमने गुआवा का फ्लेवर लिया, अभी हम और फ्लेवर लेंगे, तो जब तक इसको हम ट्राई करते हैं और इसके बाद हम लेंगे दूसरा फ्लेवर, तो जो आप दूसरी वीडियो बनाएंगे हम वो दूसरे फ्लेवर की बनाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए, इसकी जो ऊपर की परत है, ये दूर से मैं थोड़ा दिखा दूँ कि ये एकदम गुआवा की परत है इसके अंदर, और जो अंदर की जो रेड वाला एरिया है इसके अंदर जो स्टफिंग हुई है वो कुल्फी की हुई है। तो एक ठंडी ठंडी खाने बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और ये हमारा पूरा गुआवा का पूरा सेट है, और बहुत ज़्यादा महंगी मुझे नहीं लगी, लेकिन हाँ बहुत टेस्टी है। आप अगर आएंगे तो इसको ज़रूर खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। फ्लेवर कैसे लगा आपको? फ्लेवर अच्छा है काफ़ी, मतलब इसमें लाइक रियल फ्रूट का एक कहते नहीं कि टेस्ट जो आ रहा है
रियल फ्रूट। ये ऑरेंज फ्लेवर है, ये ऑरेंज फ्लेवर है जी। तो आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए तो पहले? हाँ फर्स्ट टाइम आया, मैंने मतलब नाम देखा तो मुझे थोड़ा यूनिक लगा तो सर। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर मयंक। डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब यहाँ का केस कैसा लगा आपको? टेस्ट बहुत ही टेस्टी था। आपने तो फ्लेवर कौन सा लिया था? ऑरेंज फ्लेवर लिया। ऑरेंज फ्लेवर लिया था। तो आप ये फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आए, इससे पहले यहाँ पे इसका फ्लेवर ले चुके हैं? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर आया हूँ, बट इसको मैंने मुंबई में टेस्ट किया था एक बार। तो वहाँ के फ्लेवर में यहाँ के फ्लेवर में कुछ आपको लगा या सेम लगा? अब ये मुझसे मिस्टेक हो गई क्योंकि वहाँ मैंने मैंगो लिया था, यहाँ ऑरेंज लिया। अब दोनों को कंपेयर करेंगे एक बार, लेकिन ऑरेंज भी टेस्टी था, ऑरेंज काफी टेस्टी था। धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों हमारे सामने दूसरा फ्लेवर आ गया है, तो मैं आपको इसको दिखा दूँ, इसको टेस्ट करके। ये है ऑरेंज फ्लेवर। तो उसका क्या है, जैसे हम लोग फ्रूट वगैरह खाते हैं उसी तरह खाना है, यानी इसका जो छिलका होता है हम लोग हटा देते हैं, और अंदर का जो इसका जो गूदा कहते हैं, उसका जो गूदा होता है वो खाते हैं। तो इसी तरह हम लोग इसको भी टेस्ट करेंगे, इसका जो छिलका है वो नहीं खाएंगे, अंदर का जो स्टफिंग हुई है वो खाएंगे। मैं एक बार पास से दिखा दूं कि इसके संतरे का जो इसके जो ऑरेंज का जो छिलका है ऊपर से है, और अंदर स्टफिंग हुई है कायदे से, ये देखिए, जो कि एकदम मतलब जो फ्रूट्स जो दिए गए हैं कुल्फी में, जिस जिसका जैसे नाम है उसी तरह के ओरिजिनल फ्रूट्स में लिए गए हैं। तो खैर इसको मैं टेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर अगले फ्लेवर पर मैं आऊँगा। तो अभी मैं फिलहाल इसको टेस्ट करके देखता हूँ। तो दोस्तों हमारे सामने एक फ्लेवर और आ गया है, और ये है अनार का फ्लेवर। मैं आपको एक पास से दिखा दूं कि ये दिखा दूं मैं कि ये देखिए अनार का है, तो ये सेम वैसे खाने का तरीका है कि इसके छिलका उतार दिया जाता है इसे, और जो चीज़ ये बचती है इसका गुदा, तो इसमें देखिए अनार के पीसेस वगैरह भी पड़े हैं, तो इसको ऐसे खाया जाता है। इसका टेस्ट मैं बताता हूँ, इसमें ये थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का थोड़ा फ्लेवर आ रहा है। इसकी वजह ये हो सकती है कि जो अनार होता है थोड़ा हल्का सा कड़वा होता है, इसलिए तो फ्लेवर डालने के लिए इसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ रहा है। अनार का तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में स्ट्रॉबेरी का भी फ्लेवर आ रहा है। तो ओवरऑल जितने भी इनके प्रोडक्ट मुझे लगे, खैर बहुत सारे हैं तो इतना खैर मैं नहीं खा पाऊंगा, तो इनके पास मैंगो भी है और कीवी है, पहले बहुत सारे फ्लेवर इनके पास हैं जो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो जितना इसका इंजॉय कर रहे हैं, हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तो दोस्तों ये था अब तक का एक मेरा छोटा सा रिव्यू, इसमें मैंने आपको ऑरेंज के बारे में बता दिया, ऑरेंज साइज कुल्फी के बारे में बता दिया, और अनार की जो कुल्फी होती है वो बता दिया आपको, और हमने गुआवा खाया, गुआवा वाली कुल्फी खाई वो मैंने उसके बारे में बता दिया। तो ये था एक हमारा रिव्यू। तो कैसी लगी अब तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।